गई है, करीबन 1 लीटर के करीब दूध है। नहीं, सेवैया हमारी जो है लंबी तरीके से बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले सबको दिल ही ईद मुबारक माई तरफ से। और चलिए फिर हम शोरमे की तैयारी करते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है और हसनैन जो है वो नमाज के लिए गए हुए हैं, तो इस वजह से अब हम जल्दी जल्दी शोरमे की तैयारी करते हैं, वरना उनको आते ही भूख लग जाएगी। तो सबसे पहले हम ये फ्राई पैन रख देते हैं इधर पे, और ये हमने पतीली रखी है, तो इसके अंदर जो है हम अपना दूध जो है वो गर्म करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले दूध डाल देते हैं। सारा दूध अपना इसमें डाल देंगे, ये तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध है और ये बहुत गाढ़ा दूध होता है, इसकी तरह कोई गाढ़ा दूध नहीं है। देखें जरा गाढ़ापन, देखें दूध का। और ये जो है हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रात को सोक कर दिया था, तो इसमें छुआरे हैं, नारियल है, और मैंने कुछ बादाम लिए थे तो मैंने काट दिए थे। तो अब चलें इसको हम तैयार कर लेते हैं। फिर दूध जैसे ही हमारा गर्म होगा तो बाकी की चीज़ें भी हम शुरू कर देंगे। और इसको हम तैयार करते हैं। ये है हमारी सेवैया, जो मैंने हस्बैंड को कहा था कि खोल देना बेटा, लेकिन उसने नहीं खोली, तो नमाज पढ़ने की जल्दी लगी हुई है। तो आज मैं पड़ोसी के बच्चे से जो है वो अपना जो शूटिंग है वो भी करवा रही हूँ। बच्चे तो बताए ना आपको, आजकल के सुनते ही नहीं है। इसे हम अच्छी तरीके से तोड़ लेंगे, तरीके से। और ये जो हमारे हमने घी डाला है, हम इसके अंदर ये अपने थोड़े से ड्राई फ्रूट को सेक लेंगे, थोड़े से मतलब ड्राई रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो हमने पानी में भिगोया हुआ था, लेकिन हम इसको ड्राई रोस्ट भी करेंगे, क्योंकि उससे एक अच्छा जो है इफेक्ट आता है चीज बनने में। देखें हमारा तो ये हमने बहुत ही कम आंच पे करने हैं कि हमारे जो है वो जले नहीं। अच्छे तरीके से इसको करना है। और यहाँ दूध का चूल्हा जो है हम थोड़ा तेज कर देंगे, ताकि दूध हमारा जल्दी हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो मेरे तमाम देखने वालों को जो है मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। हमने ईद की शॉपिंग नहीं की, जिसकी वजह से मैं आपको शॉपिंग अपनी दिखा नहीं सकी। हसनैन को भी मैंने जो है वो बस एक उसका सूट रखा हुआ था, वही उसको दे दिया था पहनने के लिए। तो बस माशाल्लाह से, बस अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ हम लोगों ने ईद की शॉपिंग नहीं की, तो इस वजह से, क्योंकि बजट नहीं था हमारा, हम सिर्फ खाना बना ले लेते या फिर शॉपिंग कर लेते। एक्चुअली तो खाना बनाने में तो इतने पैसे नहीं लगते जितने शॉपिंग में लग जाते हैं, आपको पता है इनके देने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखें सारे ड्राई फ्रूट जो है मेरे हो रहे हैं, तो इसमें इसका घी फ्राई ज़्यादा डलेगा और कहीं ऐसा ना हो कि ड्राई फ्रूट हमारे ज़्यादा सीखे, क्योंकि हमें ज़्यादा सीखे हुए नहीं चाहिए। ये हमने डाल दिए और अब इसमें हम डालेंगे घी। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा दूध भी उबल चुका है, तो हम इसमें अंदर जो है ये 2 इलायचियाँ डाल देंगे खोल के। तो ये 2 इलायचियाँ हैं जो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और जब तक हम सेवैया जो है अपनी वो फ्राई करते हैं।
1 kg दूध है हमारा, उस हिसाब से हम सेवैया ले लेंगे। फिर कोरमा बनाना है हमें, तो हम सेवैया इतनी डाल देंगे, बहुत है ये। जब तक हमारा दूध पक पक के गाढ़ा हो रहा है, तब तक हम सेवैया इतनी भून लेते हैं। और अभी हम दूध के अंदर डाल देंगे शक्कर। तो शक्कर हम डाल रहे हैं 1 माशाल्लाह से, 2, 3। बाद में हम चेक कर लेंगे, अगर कम हुई तो हम और डाल देंगे। तो देखें सेवैया हमारी जो है लगभग हो गई है। तो अभी हम अपना ड्राई फ्रूट भी इसमें शामिल कर देंगे और इन दोनों चीजों को अच्छी तरीके से, यहाँ हमारा दूध भी माशाल्लाह से देखें कैसा पक रहा है। और सेवैया और ड्राई फ्रूट हमारे जो है तकरीबन हो गए हैं। अब ये हम उठा के इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें जी, सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ी सी सेवैया इसमें रह गई है। तो हम चम्मच से की मदद से देखें जी, शीर कोरमा हमारा बनना है क्या है, तैयार तकरीबन बनने वाला है ये। तो इस फ्लेम पे हम इसकी थोड़ी सी शक्कर चेक करेंगे और इसे हम उठा के इस चूल्हे पे रख लेंगे ताकि हमारा जो है हाथ सही पड़ जाए। माशाल्लाह से जी देखें, शीर कोरमा हमारा बन के हो गया है बिल्कुल एकदम तैयार। बस हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए था क्योंकि ये रखे रखे भी थोड़ा सा जो है इसमें चेंज आता है। तो बस जब तक हसनैन आएंगे आधे घंटे के अंदर, इंशाल्लाह वो तब तक कंप्लीट पक चुका होगा। तो चले आते हैं अपने कबाबों की तरफ। और ये हमने कीमा मंगा के रखा हुआ था, तो पहले हम ये रायते का सामान पीस लेते हैं। इसमें हरी मिर्च है, पुदीना, लहसुन, सारा कुछ अच्छी तरीके से फूट के मैं रायते के लिए तैयार कर लूंगी और साथ ही अपना कीमा मैरिनेट करने रख दूंगी। ये हमने फ्रीजर में रखवाया हुआ था जिसकी वजह से जो है वो ये थोड़ा सा इस तरीके का हो रहा है। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। हमारा रायता जो है वो अच्छे से बन गया है। हमारी जो पुदीने की चटनी है वो बन गई है। तो इसे हम उठा लेते हैं इसके अंदर। तो लस्सी काफी है, थोड़ी थोड़ी है, बच भी जाए तो मसला नहीं है। तो हमारा रायता बन जाएगा और बाकी जो है हम थोड़ी सी हरी मिर्च कूटेंगे अपने कबाबों के लिए, क्योंकि कबाब के अंदर हम काट के नहीं डालेंगे मिर्चें, तो हमें थोड़ा तीखा बना चाहिए। तो हम इसमें ये वाली मिर्च ऐड करेंगे। तो साथ में ये थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे इसके। यहाँ तक काट लेते हैं। ये हमने जब आया था तभी धो के रख दिया था, क्योंकि इसमें बहुत पानी भर जाता है इसमें। ये हमने पूरी मिट्टी डाल दी है इसमें, इसको हम अच्छे तरीके से पीसेंगे। काफी है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर।
और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे रेड चिली 2 टेबल स्पून, और ये हमारे पास थोड़ा मसाला रखा हुआ था, हमने खरीदा नहीं है, पहले का ही हमारे पास रखा हुआ था, तो ये हम इसमें डाल देंगे। ये सिक्का कबाब मसाला है, शान वालों का, तो थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। आगे हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हल्दी, ताकि हमारे कबाबों में अच्छे से कलर भी आ जाए। और ये है गरम मसाला मेरे पास, तो मैं ये 2 पैकेट इसमें डाल दूंगी। जी हमारी काम नहीं कर रही है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन मिला के अच्छी तरीके से, तो ये मैं इसकी मदद से इसमें डाल दूंगी। तो अभी हम इसको बंद कर देंगे, और इस कीमे को हम अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मैश कर लेंगे। तो ये हमने समझ लें एक तरीके से मैरिनेट करके रख दिया है, हमें ऐसा ही कीमा चाहिए था, ताकि इसमें जो है हमारी जो भी स्मेल वगैरह वो भी चली जाए। इसे तो स्मेल नहीं, मैंने अच्छे से धोया है इसको। तो अब इसके अंदर हम ये हरा मसाला जो है टूट रहे हैं, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे, और टिक्कियाँ बना के तलने की तैयारी। जी कबाब हमारे माशाल्लाह से देखें बन के हो गए हैं तैयार, तो अब हम इन्हें तलने की तैयारी भी करते हैं। पहले अपना घी डाल लेते हैं, तो सीधे से टेस्ट कर देते हैं थोड़ा, और जब तक अपना बना देते हैं रायता। तो ये है जी दही, तो मैंने इसमें हरा मसाला आपको दिखाया था कूटते हुए, तो थोड़ा सा लेंगे नमक और इसमें डालेंगे छानने के लिए उसको अच्छी तरीके से। घी हमारा हो गया है, तो हम इसे शाम कबाब जो है इसके अंदर डाल देते हैं। ये जो हमारा कबाब टूटा है उसको हम सही कर लेते हैं, तो हमें देख लेना चाहिए। अभी नहीं हुए हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कबाब हमने सारे इसमें डाल दिए हैं, तो थोड़ा सा कबाब हम टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसा बना है। वाह, बहुत ही मजेदार हो रहे हैं कबाब, और भी खाएंगे तो खाते रह जाएंगे।
देखें जी, माशाल्लाह हमारा फर्स्ट कॉर्मा कितना जबरदस्त और अच्छा बना है और काफी गाढ़ा भी हो गया है। ये फुल क्रीम रूप था हमारा और ये हमारे कबाब भी बन गए हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा वीडियो? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ही बहुत सारी दुआ मैं अपनी बहन को इजाजत दीजिए, मैं इजाजत चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।